हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोहमोन स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 3, उसमें EVS। चैप्टर नंबर है 16, गेम्स वी प्ले। फ्रेंड्स, यानी कि हम कई सारे गेम है वो खेलते हैं। तो यहाँ पे कई बच्चे हैं वो गेम्स खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो नंबर बनाया हुआ है स्क्वायर में, उसके बाद यहाँ पर बच्चे ये सब खेल रहे हैं, जो गेम खेल रहे हैं उसके बारे में चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर के बारे में। ऑल द चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग स्टप्पू हॉपस्कॉच इन द लेन। यानी कि सब जो बच्चे हैं वो हॉपस्कॉच खेल रहे हैं। अवंतिका एंड हर सिस्टर नंदिता वेयर ऑल्सो प्लेइंग। यानी कि अवंतिका और उसकी जो सिस्टर यानी उसकी बहन नंदिता है, दोनों खेल रही है। बट नंदिता वॉज नॉट एबल टू प्ले द गेम इन द राइट वे। लेकिन नंदिता है वो ठीक तरह से वो गेम नहीं खेल पा रही है। अवंतिका सेज लिसन टू मी केयरफुली नंदिता अंडरस्टैंड द गेम। यानी अवंतिका है वो उनकी बहन ने कहा कि आप पहले मेरी बात सुनिए, बाद में आप गेम को खेलिए। थ्रू द मार्कर इन द फर्स्ट बॉक्स, यानी कि पहले बॉक्स में मार्कर को डालिए या फिर रख दीजिए। देन वन लेग जंप ओवर दिस बॉक्स इन टू द नेक्स्ट वन। उसके बाद एक जंप लगाइए अगले बॉक्स के ऊपर। कीप इन माइंड यू कैन पुट बोथ योर फीट डाउन टूगेदर ओनली इन द बॉक्स मार्क 4, 5 and 7, 8। यानी कि आप दोनों ही पैर रख सकती है सिर्फ चौथे और पाँचवें और सातवें और आठवें बॉक्स में। टेक केयर योर फीट शुड नॉट टच द लाइन। यानी कि आपके जो पैर है कहीं लाइन पे टच नहीं होने चाहिए। इफ इट टचेस यू आर आउट ऑफ द गेम। अगर आपके पैर वहाँ पे टच हो जाएंगे तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे। When you reach the last box, यानी कि आप last box पे पहुँचेंगे, turn around और फिर से घूमना है। When coming back और फिर से पीछे आना है, यानी आप जैसे गए हैं वैसे ही वापस आपको आना है। Pick up the marker and bring it back, और ये वो marker आपने throw किया था, फेंका था वहाँ पे, वो आपको फिर से उठाना है। Now throw the marker in the next box, फिर next box पे आपको डालना है। और similarly keep throwing in marker इन ऑल द बॉक्सेस वन बाय वन कंटिन्यू द गेम। यानी कि वन बाय वन उस मार्कर को हमें क्या करना है, एक जगह से दूसरे जगह थ्रो करते जाना है, फिर जंप लगाना है। फ्रेंड देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, अब देखिए मार्कर यहाँ पे है, ठीक है। इसलिए आपको एक पैर पे यहाँ और यहाँ 4, 5 में आप दो पैर रख सकते हैं, 7, 8 में दो पैर रख सकते हैं। फिर आपको यहाँ से घूम जाना है 7, 8 से, और फिर से आपको इधर जाना है। फिर अभी क्या करना है, वो मार्कर उठा लेना है और 2 नंबर पर रख देना है। फिर यहाँ पे जाना है, ऐसे करना है, फिर वापस आना है। फिर वापस आके फिर मार्कर 3 नंबर पर रखना है, ऐसे करना है। और आपके जो पैर है इस लाइन को कहीं भी टच होने नहीं चाहिए। तो ऐसे ही ये बच्चे सब गेम खेल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग अगेन, यानी कि सब बच्चे है वो खेलने लगे। सिंस लॉन्ग चाची वॉज वॉचिंग देम प्ले, और कई समय से उनकी जो चाची थी, उनकी आंटी थी, वो वहाँ पे देख रही थी। सी टू फेल्ट लाइक प्लेइंग विद देम, उसे उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि वो भी बच्चों के साथ खेले। शी कुड नॉट कीप हेयरसेल्फ फ्रॉम आस्किंग कैन आई प्ले विथ यू, और वो अपने आप से रह नहीं पाई और बच्चों से पूछ लिया कि मैं आपके साथ खेल सकती हूँ। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड, और सब बच्चे हंसने लगे। अवंतिका सेज चाची यू विल प्ले, यानी अवंतिका ने कहा कि चाची आप खेल सकती हो। चाची सेज डू यू थिंक आई डोंट नो हाउ टू प्ले अ हॉपस्कॉच, यानी कि क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे हॉपस्कॉच के बारे में कुछ पता नहीं है। एट योर एज वी प्लेड सो मैनी डिफरेंट गेम्स, यानी कि मैं जब आपकी जैसी छोटी थी तब कई सारे गेम खेलती थी। नंदिता सेज विच गेम डिड यू प्ले चाची, यानी नंदिता ने कहा कि आप कौन कौन सी गेम खेलते थे चाची। चाची सेज लंगरी तांग हाइड एंड सीक 7 tiles एंड सो मैनी मोर इन कबड्डी अवर टीम वॉज द बेस्ट अमाउंग 10 villages। यानी कि हम कौन, चाची ने कहा कि हम लंगरी टांग खेलते थे, उसके बाद
हाइड एंड सीक खेलते थे, सेवन टाइल्स खेलते थे और कई सारे ऐसे गेम खेलते थे। और हमारी जो कबड्डी की टीम थी वो पूरे हमारे जो आजू बाजू के 10 गांव थे उसमें सबसे अच्छी टीम हमारी ही थी। रजत सेज, चाची हाउ डिड यू गेट सम सो मच टाइम, वी हार्डली गेट एनी टाइम टू प्ले। तो रजत ने कहा कि चाची आप कैसे इतना समय निकाल पाते थे, हमारे पास तो इतना समय ही नहीं है। चाची सेज यू आर सो बिजी वॉचिंग टीवी ऑल द टाइम। चाची ने कहा कि आप तो टीवी देखने में और टाइम बिजी रहते हो। नंदिता सेज चाची एंड चाची डिड चाचा प्ले दिस गेम टू। सो नंदिता ने कहा कि चाचा भी ऐसी गेम सब खेलते थे। तो चाची सेज योर चाचा सेज दैट ही यूज टू प्ले मार्बल्स, सेवन टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिली डंडा एंड सो मेनी अदर गेम्स द होल डे व्हाइल फ्लाइंग काइट्स, ही वुड इवन फॉरगेट हिज मील। यानी कि चाची ने फिर से कहा कि जी हाँ तुम्हारे चाचा भी कई सारे खेल खेलते थे, जैसे मार्बल के साथ खेलते थे, सेवन टाइल्स, रेसलिंग, कबड्डी, गिली डंडा, और जब वो पतंग चगाते थे यानी पतंग उड़ाते थे तब तो वो खाना भी भूल जाते थे। नंदिता से चाची डू कम एंड प्ले। तो नंदिता ने कहा कि चलिए चाची आप हमारे साथ खेलिए। चाची स्टार्टेड प्लेइंग विद द चिल्ड्रन, दे हैड बीन प्लेइंग जस्ट फॉर शॉर्ट वाइल व्हेन ही इट स्टार्टिंग रेनिंग। यानी कि चाची है वो बच्चों के साथ खेलने लगी, थोड़ी ही देर में बारिश आ गई। ऑल द चिल्ड्रन ओ नो, यानी सब बच्चे कहने लगे ओ नो ये क्या हो गया। चाची सेज लेट्स अस गो टू माई हाउस, वी विल प्ले इनसाइड। तो चाची ने कहा कि कोई बात नहीं आप मेरे घर में आइए, मेरे घर में हम खेलते हैं। द चिल्ड्रन वेर हैप्पी टू हियर दिस, और सब बच्चे है वो खुश हो गए। ऑल द चिल्ड्रन कम ऑन लेट्स गो टू चाची हाउस टू प्ले। यानी कि सब बच्चे बोलने लगे कि चलिए जल्दी कीजिए, चाची के घर में खेलने के लिए जाते हैं। तो चिल्ड्रन केम टू चाचीज हाउस, इन साइड द हाउस चाचा एंड बुआ आर प्लेइंग, वेर प्लेइंग चेस। यानी कि जब चाची के घर में अंदर गए तो वहाँ पे चाचा और बुआ है वो दोनों क्या कर रहे थे, चेस खेल रहे थे। कि यहाँ पे ऊपर चेस है, इसको चेस कहते हैं फ्रेंड्स, ये चेस बोर्ड है। अवंतिका सेज व्हाट शुड वी प्ले, अवंतिका ने कहा कि क्या ये हम खेल सकते हैं। रजत सेज लेट्स प्ले हाउस हाउस, तो रजत ने कहा कि हाउस हाउस खेलते हैं। मैनी चिल्ड्रन सेज यस लेट्स प्ले हाउस हाउस, तो सब बच्चों ने कहा कि चलिए हाउस हाउस खेलते हैं। रजत सेज वी हैव हैड अ डॉल, यानी कि मेरे पास डॉल है, वी कुड हैव प्लेड विथ इट, क्या हम उसके साथ खेल सकते हैं। चाची सेज डू यू वॉन्ट अ डॉल, लेट अस मेक अ वन राइट अवे। यानी चाची ने कहा कि क्या आपके पास डॉल है, चलिए उसके बारे में कुछ खेलते हैं। चाची टुक आउट सम ओल्ड क्लॉथ, यानी चाची ने कुछ ओल्ड जो पुराने कपड़े थे वो लेकर आए। विथ चाची हेल्प चिल्ड्रन मेड अ डॉल, यानी कि वो है डॉल को बनाने लगी। रजत ने कहा कि हमारे पास डॉल होती तो हम उससे खेलते, तो चाची है प्योर डॉल बनाने लगी। सम चिल्ड्रन वॉन्ट टू प्ले अ कैरम एंड अदर्स लूडो, कई बच्चे हैं वो कैरम और लूडो खेलना चाहते थे। दे फॉर्मड अ ग्रुप एंड स्टार्टेड प्लेइंग, वो सब ग्रुप में खेलने लगे। राइट द नेम्स ऑफ द ऑल द गेम्स मेंशनड इन द लेसन इन द टेबल बिलो, मेक अ इन अ फ्रंट ऑफ दिस गेम्स दैट वन प्लेड इनडोर्स अगेंस्ट द आउटडोर गेम्स मेक, डोंट forget to write the number of players needed for the games. If some other things are also needed to play the game, then write their names as well. So friends, हमने इस चैप्टर में आगे कई सारे गेम देखे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेम द गेम्स, यहाँ पे गेम का नेम लिखना है। तो ऊपर गेम पहले तो वो क्या खेल रहे थे, यहाँ पे देखिए जो बच्चे है, देखिए ये बच्चे ये सब खेल रहे थे hopscotch। तो आपको यहाँ पे लिखना है hopscotch, पहली गेम का नाम लिखेंगे हम hopscotch, hopscotch लिखना है। और देखिए वो अगर कैसी गेम है, मेक एरो इन फ्रंट ऑफ दोस गेम्स आर प्ले इनडोर्स, अगर अंदर घर के अंदर खेलनी है तो इसको ऐसे सिंबल लगानी है, और घर के बाहर है तो ऐसे। तो hopscotch है वो घर के बाहर खेली जाती है, इसलिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। नंबर ऑफ प्लेयर्स, कितने प्लेयर उसमें खेल सकते हैं, तो 3, 4, 5 सब प्लेयर खेल सकते हैं। थिंग्स नीडेड, उसमें क्या चाहिए, तो चौक और मार्कर दो वस्तु चाहिए। उसके बाद
मार्बल्स, मार्बल्स से खेलते हैं। तो मार्बल्स का क्या है, बाहर ही खेला जाता है मार्बल्स, या इसलिए ट्री आपको ड्रॉ करना है, प्लेयर कितने चाहिए उसमें 5-6 जितने प्लेयर हो चलेगा, और थिंग्स है वो मार्बल्स। उसके बाद गिल्ली डंडा है, तो गिल्ली डंडा में ये बाहर ही खेला जाता है, इसलिए यहाँ पे ऐसा गिल्ली डंडा में कितने प्लेयर्स होते हैं, तो 3-4 जितने भी आप खेल सके, उसमें गिल्ली और डंडे की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे चेस, तो चेस है वो घर में खेला जाता है, इसके लिए इसको आपको ऐसा सिंबल यहाँ पे ड्रॉ करना है, उसमें 2 प्लेयर होते हैं चेस में, इसके लिए चेस बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद कैरम, कैरम है वो भी घर में खेलते हैं, इसलिए आपको ऐसा करना है सिंबल यहाँ पे कितने प्लेयर होते हैं, 4 प्लेयर होते हैं, और ज़रूरत क्या पड़ती है कैरम बोर्ड की, ठीक है। उसके बाद है कबड्डी, तो कबड्डी है वो बाहर खेली जाती है, कितने प्लेयर होते हैं उसमें, कबड्डी में 11 प्लेयर होते हैं। उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें एक ग्राउंड ज़रूरत पड़ती है, चौक की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे आपको इन सभी जो ऊपर यहाँ पे नाम दिए हैं, जैसे मैं आपको बता दूँ, देखिए ये सब नाम आप नीचे लिख सकते हैं, और चाची भी खेलती है, ऐसे भी आप नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए चाची यहाँ पे ऐसे खेलती थी गेम, लंगड़ी टांग हाइड एंड सीक, ठीक है, लूडो है, ये सब आपको यहाँ पे लिख देना है। डू यू प्ले एनी गेम सिमिलियर टू हॉपस्कॉच, व्हाट डू यू कॉल इट, ड्रॉ द फिगर दैट यू मेक टू प्ले द गेम इन स्पेस बिलो। सो फ्रेंड्स, हॉपस्कॉच के जैसी गेम आप अपने यहाँ खेलते हैं, अगर खेलते हैं तो आपको यहाँ पे उनका एक स्केच ड्रॉ कर देना, जैसे हॉपस्कॉच ऐसा था, इसमें पहला 1 नंबर ऐसा था, फिर 2 नंबर था, फिर 3-4 ऐसे यहाँ पे नंबर ऐसे थे, और यहाँ पे एक ऐसी लाइन थी, फिर ऐसी लाइन थी, ऐसे यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। डू यू प्ले सम गेम्स विथ योर फैमिली मेम्बर्स, विच गेम्स एंड विथ होम, तो कई गेम है हमारे फैमिली मेम्बर के साथ खेलते हैं, जैसे कि एक गेम है चेस, तो चेस है हम अपने दादा के साथ खेलते हैं, ग्रैंड फादर के साथ हम चेस खेलते हैं। उसके बाद मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर के साथ हम कैरम खेलते हैं, उसके बाद सिस्टर के साथ हम लूडो भी खेलते हैं, उसके बाद क्रिकेट खेलते हैं सभी जो घर के सदस्यों के साथ, ऐसी गेम हम खेलते हैं। तो आपको यहाँ पे सभी गेम के, यहाँ पे आप कौन से फैमिली मेम्बर के साथ खेलते हैं वो लिखना है, यहाँ पे गेम का नाम लिखना है, जैसे यहाँ पे ग्रैंडफादर, तो यहाँ पे चेस, उसके बाद यहाँ पे मदर, ब्रदर, सिस्टर, तो यहाँ पे कैरम, उसके बाद यहाँ पे फादर, तो यहाँ पे लूडो, यहाँ पे मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, क्रिकेट, यह सब आपको लिख देना है। चलिए, डू यू नो द नेम ऑफ एनी फेमस स्पोर्ट पर्सन इन योर एरिया, इफ यस राइट हर और हिज नेम एंड द गेम विद विच सी और ही एसोसिएट। सो फ्रेंड्स, हमारे एरिया में सबसे फेमस प्लेयर है वो है रविंद्र जाडेजा, जो रविंद्र जाडेजा है वो हमारे यहाँ के फेमस प्लेयर है, और वो क्रिकेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि क्रिकेट के बेताज बादशाह, अच्छा फील्डर है रविंद्र जाडेजा, आप इसका नाम लिख सकते हैं। हाउ मेनी गेम्स डू यू नो विच वी प्ले विथ अ बॉल, राइट देयर नेम्स इन द बॉल, इतनी सारी गेम है जो बॉल से खेल सकते हैं, जैसे वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, ये सब हम बॉल से खेल सकते हैं। हैव यू हर्ड सानिया मिर्जा, सी ऑल्सो प्लेस अ बॉल गेम, फाइंड आउट विच वन राइट दिस नेम। सो फ्रेंड, सानिया मिर्जा है वो टेनिस की प्लेयर है, किसकी प्लेयर है, टेनिस, जो टेनिस लॉन टेनिस आता है उसकी ये प्लेयर है। विच गेम डू यू लाइक मोस्ट, जो आपको अच्छी लगे वो आपको यहाँ पे लिख देनी है। फाइंड आउट फ्रॉम द एल्डर्स इन योर फैमिली इन द नेबरहुड, आपके आजू बाजू में जो बड़े लोग होते हैं, जो बुजुर्ग है, उसके पास जाइए आप। विच गेम्स डिड द प्ले वेन दे वेयर चिल्ड्रन, यानी कि जब वो छोटे थे तब वो कौन कौन से गेम खेलते थे वो आपको यहाँ पे लिख देना है, यानी आप घर में यहाँ पे पूछ के गेम के नाम लिखेंगे। चलिए, मैच द रिडल विद द पिक्चर, राइट द नेम्स गिवन इन द स्पेस, हमें यहाँ पे रिडल दी गई है उसे हमें पहचानना है कि ये कौन सी गेम है। तो चलिए, स्मॉल एंड कलर्ड आर दिस ग्लास बॉल्स, टू विन द गेम यू हैव टू एम विद द बॉल, यानी कि
स्मॉल कलर्ड आर दिस ग्लास बॉल, ग्लास बॉल होता है और कलर वाला बॉल होता है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आएंगे स्मॉल एंड कलर्ड आर दिस ग्लास बॉल्स, यानी कि छोटे छोटे ग्लास के बॉल होते हैं, कांच के बॉल होते हैं, उससे हम खेलते हैं। तो उसके यहाँ पे आएगा पेबल्स, पेबल्स यहाँ पे आप लिखेंगे। उसके बाद इफ़ यू, यहाँ पे इफ़ यू लैंड ऑन स्नैक डू नॉट फ्रॉन इन दिस गेम यू गो एंड अप डाउन। तो ये हमने सांप सीढ़ी जो खेलते हैं, यहाँ पे देखिए स्नैक एंड लेडर देखिए यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे लिखना है इनका नाम स्नैक लेडर, यहाँ पे स्नैक लेडर ऐसे यहाँ पे लिख देना। चलिए आगे, इट्स इट हैज नो विंग बट इट कैन फ्लाई हाई 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 अप इन द स्काई, तो ये है काइट। उसके बाद ऑन द बोर्ड आर स्क्वेयर ब्लैक एंड व्हाइट देयर द किंग द क्वीन एंड द नाइट, तो चेस, चेस होती है। उसके बाद किंग क्वीन एस एंड जैक 52 ऑफ देम मेक द पैक, तो ये है कार्ड, कार्ड गेम होती है, ताश के पत्ते। उसके बाद फोर एंड सिक्सिस इफ यू गेट अ सेंचुरी श्योर आई कैन बेट, तो ये है क्रिकेट। चलिए आगे, बेस्ट बिसाइड प्लेइंग व्हाट एल्स डू यू डू, यहाँ पे गेम के नेम लिखना है जो भी आप आपके आजू बाजू में जो गेम खेली जाती है। चलिए बिसाइड देयर वर्क्स व्हाट एल्स डू यू फैमिली मेंबर डू, कलर द पिक्चर विच शो व्हाट योर फैमिली मेंबर डू इन द इन देयर फ्री टाइम, इफ यू वांट टू ऐड मोर यू कैन राइट योर राइट और ड्रू ड्रॉ इन द ब्लैंक स्पेस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कई सारी एक्टिविटी दी गई है, देखिए इसमें पहला है रीडिंग, उसके बाद है स्टिचिंग, उसके बाद है डांसिंग, उसके बाद है यहाँ पे चैटिंग, उसके बाद है लुकिंग आफ्टर प्लांट और कलेक्टिंग स्टैम्प, यानी कि ये सब हम फ्री टाइम में करते हैं। दूसरे कोई अगर फैमिली मेंबर आपका कोई यहाँ पे करता है तो आपको ड्रॉ करनी है, तो आपके फैमिली मेंबर है कौन सी यहाँ पे प्रोसेस करते हैं, ज़्यादातर तो हम चैटिंग ही करते हैं घर में सब, इसलिए यही आएगा। लेकिन कोई अगर डांस करता है, ब्रीड करता है, प्लांट में उसकी देखभाल करता है, स्टैम्प लेकर आता है, तो उसको भी आपको इसे राउंड कर देना है। और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में दूसरी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, वीडियो को देखते रहिएगा, थैंक यू।